आजकल उत्तराखंड की शादियों में हो रही अजब गजब घटनाओं से प्रदेश की शादियां खबरों की हेडलाइंस बन चुकी हैं। आज फिर एक और खबर राज्य के नैनीताल जिले से सामने आ रही है, जहां एक दूल्हा अपनी बारात के साथ धरने पर बैठ गया। हैरान कर देने वाली यह खबर इस वक्त जहां पूरे क्षेत्र के साथ ही समूचे उत्तराखंड में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, वहीं धरने पर बैठे दूल्हे की फोटो भी लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। पूरा मामला काठगोदाम हेड़ाखान मोटर मार्ग का है। बता दें कि यह मोटर मार्ग लगातार हो रहे भारी भूस्खलन के कारण बीते 15 नवम्बर से बंद पड़ा है। आइए अब आपको ले चलते हैं पूरे घटनाक्रम की ओर। दरअसल राज्य के नैनीताल जिले के कोटाबाग क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की बारात मंगलवार को हल्द्वानी तहसील क्षेत्र के काठगोदाम हेड़ाखान मोटर मार्ग पर स्थित पसौली गांव जा रही थी, परंतु काठगोदाम हेड़ाखान मोटर मार्ग बंद होने के कारण दूल्हे संग पूरी बारात को पैदल रास्ता पार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिस समय बारात इस मोटर मार्ग से पैदल जा रही थी, उस समय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क को जल्द सुचारू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इसी दौरान दूल्हा भी बारातियों के संग नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व अन्य कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठ गया। दूल्हे ने जहां धरने पर बैठकर बारातियों को हो रही परेशानी को सरकार तक पहुंचाया, वहीं यह खबर आग की तरह फैल गई है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।